गुरुवार दत्तनगर परिसर में शराब की दुकानें खोले गए, इसका विरोध दर्शाते हुए जन विकास सेना की महिला आघाड़ी की पदाधिकारियों ने शराब दुकान के सामने ठिया दिया। बस्ती अस्पताल ऐसी जगह पर देसी शराब की दुकान शुरू होने से इसका विरोध करते हुए जन विकास सेना के अध्यक्ष पप्पू देशमुख इनके नेतृत्व में पिछले कुछ दिनों से आंदोलन शुरू किया गया। इसी बीच गुरुवार को दत्तनगर परिसर में देसी शराब की दुकान खोली गई, जिसका परिसर के जन विकास सेना की महिला आघाड़ी की पदाधिकारियों ने विरोध दर्शाते हुए शराब की दुकान के सामने ठिया दिया। इसी बीच पुलिस घटनास्थल पर दाखिल हुई, आंदोलनकर्ताओं की एक ना सुनी और उन्हें हिरासत में लिया। उन्हें पुलिस मुख्यालय में स्थानबद्ध किया गया। उनका बयान लेकर कुछ वक्त के बाद उनकी रिहाई की गई। नगर महालक्ष्मी अपार्टमेंट इथे अवैधरित्या देशी दारूचं दुकान सुरू करण्यात आलेलं आहे। या देशी दारूचं दुकान संबंधात आम्ही अनेक आंदोलने व निवेदने राज्य उत्पादन शुल्क महानगरपालिका यांना दिले। दुकान अवैधरित्या इथे चालू आहे। या दुकानाला पोलिसांचा बळ असून जबरदस्तरित्या हे दुकान चालू करण्यात आलेलं आहे। आज आम्ही त्यांना देशी दारू दुकानाबद्दल विचारणा केली असता पोलिसांनी आम्हाला अटक करण्यात आली।